आदाब नाज़रीन, मैं शेख नौमान, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। तेलंगाना की मुख्तलिफ टीचर्स यूनियनों ने एक बार फिर तबादले और तरक्कियों के मसले पर दिया धरना। हैदराबाद में कमिश्नर ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर का मुहासिरा करने की कोशिश, जिस पर पुलिस और टीचर्स यूनियनों के कायदीन के दरमियान लफ्जी तकरार के बाद पुलिस ने यूनियनों के कायदीन और टीचर्स को ले लिया हिरासत में। वज़ीर तालीम सबीता इंद्र रेड्डी पर सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े की हौसला अफजाई करने का साबिक रुकन असेंबली टी कृष्णा रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। उन्होंने सबीता इंद्र रेड्डी पर तालाब और स्कूल की ज़मीन पर तजावजात की हौसला अफजाई करने का लगाया इल्ज़ाम। तेलंगाना हुकूमत ने मंगल को रैतु बंधु स्कीम के तहत 5 एकड़ अराजी के मालिक किसानों को माली इमदाद फराहम करने का अमल कर दिया शुरू। रियासत वजीर टी हरीश राव ने कहा, हुकूमत ने अब तक 51.99 लाख किसानों को 3,946 करोड़ रुपए किए हैं तकसीम। निज़ामाबाद के आर्मो टाउन में पुलिस ने खातून सारिख को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 27,50,000 रुपये मालियत के तिलाई जेवरात कर लिए बरामद। कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद ने खातून सारिख को मीडिया के सामने किया पेश। जिले नलगुंडा के नारकेटपल्ली इलाके में पेश आया सड़क हादसे में 10 अफराद हो गए जख्मी। यह हादसा नारकेटपल्ली कौमी शाहरा 65 पर आज सुबह के बरीन सातों में उस वक्त पेश आया जब एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस ने फ्लाईओवर पर लॉरी को दे दी टक्कर। बताया गया है कि यह बस हैदराबाद से खम्मम जा रही थी कि यह हादसा आया पेश। राहुल गांधी के बयान को गलत अंदाज में पेश करने वाले ZTV एंकर रोहित रंजन गिरफ्तार। गिरफ्तारी के रोहित रंजन ने अपने एक प्रोग्राम BDNA में राहुल गांधी के बयान को गलत अंदाज में किया था पेश। नायब सदर इंतखाब के लिए 6 अगस्त को होगी वोटिंग। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने नायब सदर के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक वोटिंग 6 अगस्त को होगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस तशद्दुद का निशाना बने 8 मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत कर दिया गया बरी। कबल अज़ीं पुलिस ने अदालत को बताया था कि उन नौजवानों के पुरतशद्दुद वाक़यात में किसी भी तरह से मुलव्वस होने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, जिसके बाद अदालत ने सभी 8 मुस्लिम नौजवानों को बरी कर दिया। खिलाफ काबा की इस वक्त की तब्दीली की रिवायती तारीख कर दी गई तब्दील। सऊदी हुकाम के मुताबिक रवां बरस यह तकरीब नौजुल हज के बजाय नए इस्लामी साल के आगाज पर यानी यकुम मुहर्रमुल हराम को दी जाएगी अंजाम। अमेरिका के शिकागो में यौम आज़ादी परेड के दौरान गोलीबारी, 6 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। सदर बाइडन ने फायरिंग से होने वाली हलाकतों पर अफसोस का किया इजहार। पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। आयुर्वेद की ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। शक्ति प्लस आपकी शारीरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है और आपके वैवाहिक जीवन को भरपूर आनंद से भर देता है। के संतुष्ट वैवाहिक जीवन की कीमत है मात्र 2,850 रुपए, 150 रुपए P&D चार्जेस एक्स्ट्रा।